¡Ahí está! हेलो दोस्तों, मैं हूँ नाइटमेयर जिंदा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि वेट और ड्राई सिग्नल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ कि वेट और ड्राई सिग्नल उसको बोलते हैं, ड्राई सिग्नल जो कि अनप्रोसेस होता है और वेट सिग्नल जो कि प्रोसेस होता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई भी इफेक्ट्स जोड़ेंगे, ये इफेक्ट्स में रहता है, सिंथेसाइजर में भी देख लेंगे जिस समय इफेक्ट्स का ऑप्शन है, रिवर कोर्स डिले वगैरह, कि आप कोर्स खोले या रिवर खोले तो वहाँ पर देखेंगे दो जगह तो लिखा रहेगा, या तो ड्राई वेट या फिर ड्राई वेट का एक नॉब रहेगा। तो क्या चीज़ होता है, देखिए दोस्तों, जो इफेक्ट्स होता है जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं वेट सिग्नल, अनप्रोसेस होता है ड्राई सिग्नल। तो ये नॉब को इसलिए दिया जाता है, कुछ कुछ जगह पे आप अलग अलग नॉब देख लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रूटी रिवर 2 दिखाने वाला हूँ जहाँ पर अलग अलग नॉब है। इसका कारण ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ ओरिजिनल सिग्नल भी चाहिए, कुछ हम लोग को मिक्स सिग्नल भी चाहिए, इफेक्ट्स के साथ भी कुछ सिग्नल चाहिए और बिना इफेक्ट्स का भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से फ्रूटी रिवर 2 में कि ड्राई वेट सिग्नल को पहचान सकते हैं, क्योंकि ड्राई वेट सिग्नल जो है वो आप लोगों को बहुत सारा जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर ये बेसिक चीज़ पता तो आप लोग कहीं पर भी ड्राइवेट का जो है देख लेंगे, मतलब समझेंगे अच्छा ये इफेक्ट्स के साथ है, ये इफेक्ट्स के बिना है। तो सीधा चलिए कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ओके, ये चीज़ को करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के पास एक हेडफोन होना चाहिए। अगर ये वीडियो को देख रहे तो हेडफोन में देखिए, ठीक है, बिना हेडफोन का आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो हम लोग के पास यहाँ पर फ्रूटी रिवर 2 है और मैंने इसको सिट्रस से साउंड बढ़ा देता हूँ, लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली यह है, पहले मैं काम करता कि ड्राई ड्राई सिग्नल को ऊपर करता जो कि अनप्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए, एक प्रीसेट चुनना पड़ेगा, कोई पैड का प्रीसेट पे चलता हूँ। सो पैड हाँ, मेक श्योर कि ये इफेक्ट्स को बंद करके आप लोग टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इफेक्ट्स भी वन सिट्रस का रिवर इफेक्ट्स चालू हो जाएगा, ठीक है। सिट्रस में भी अपना रिवर इफेक्ट दिया हुआ है। तो ये हम लोग के पास ड्राई सिग्नल यानी कि अनप्रोसेस सिग्नल, ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस सिग्नल देखते हैं। तो मान लो मैं प्रीसेट लार्ज रूम में जाता हूँ, ठीक है, प्रोसेस सिग्नल। सो तो रिवर इफेक्ट क्या होता है, रिवर इफेक्ट उसको बोलते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि तो ये रिवर इफेक्ट है। तो दोस्तों रिवर वेट यानी कि स्पेशली सिग्नल यानी कि रिवर के साथ, और ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप लोग का कुछ ओरिजिनल सिग्नल भी चाहिए, कुछ आप लोग का वेट सिग्नल भी चाहिए, तो मिला के हम लोग इफेक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि सिंपली मैं अगर आप लोग को बोलूंगा तो मान लीजिए आप डिले इफेक्ट को देंगे तो आप लोग को ज़्यादा डिले भी नहीं चाहिए, आप लोग को ओरिजिनल साउंड चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली डिले इस तरह का ज़्यादा करके डाल देंगे तो सिर्फ आप लोग को डिले ही साउंड सुनाई देगा, जिससे कि कोई एको हो, तो वहाँ ओरिजिनल भी साउंड की जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि ड्राई वेट सिग्नल दोनों जगह दिया रहेगा। तो ड्राई सिग्नल होता है अनप्रोसेस, ठीक है, एक बार सुन लीजिए, बिना रिवर का, ठीक है। और ये देख लीजिए रिवर, ठीक है, अभी लोग को मिला के हम लोग बना सकते हैं, ज़्यादा ड्राई कम, ठीक है, ये ज़्यादा रिवर कम ड्राई, ठीक है। मैं एक और प्रीसेट में जाऊंगा, क्योंकि शायद ये प्रीसेट से आप लोगों को समझ में ना आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ड्राई दे रहा है, मतलब वेट सिग्नल दे रहा है, एक तरह का पैड है ना, इसलिए बेल पे चलते, बेल पे आप लोग अच्छे समझ में आएगा। इससे समझ में आएगा, ये देख लीजिए। तो यह दोस्तों वेट सिग्नल, और यह है ड्राई सिग्नल यानी कि ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। तो ये लोग मिक्स करके इफेक्ट बनाया जा सकता है। तो इसलिए आप देख लेंगे ड्राई वेट लिखा रहेगा, यानी कि आप लोग चाहे तो ओरिजिनल सिग्नल भी पास कर सकते हैं, मिक्स सिग्नल भी पास कर सकते हैं। तो बस यही सिंपल चीज़ है, कोई भी आप एफएक्स में देख लेंगे तो चीज़ लिखा रहेगा। तो समझिए आप कोई भी DAW इस्तेमाल कर रहे, रीजन कर रहे, क्यूब बेस कर रहे, एफएल कर रहे, सब में ड्राई वेट लिखा रहेगा, या कोई भी कर रहे जैसे एडोब ऑडिशन कर रहे, ड्राई वेट तो हर जगह लिखा रहेगा, क्योंकि ड्राई होता है ओरिजिनल सिग्नल, वेट होता है आप लोग का प्रोसेस सिग्नल। देख लीजिए जैसे मैं वेट को बढ़ा रहा हूँ, फ्रूटी रिवर में भी देख लीजिए किस तरह से इफेक्ट्स ये हो रहा है, और ड्राई सिग्नल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक अनप्रोसेस सिग्नल है, ये डायरेक्टली पास सिग्नल है एक तरह का, ठीक है। तो एनी मोर क्वेश्चन लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताइए। एज यूजुअल हैव अ नाइस डे, बाय। और ये बेसिक सीरीज का वीडियो था, प्लेलिस्ट में और भी सीरीज निकलने वाला है, तो बाय।